वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में आईक्यू नियो 6। इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप लैंग्वेज जो है वो चेंज कर लेंगे। ये जो लैंग्वेज हो शो हो रही होगी आपको, सारी चेंज शो हो रही होगी, ठीक है। तो जो स्टेप मैं बताऊँगा सेम आपको वो स्टेप फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग के अंदर, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाके वहाँ पे हम करेंगे ये सेटिंग का ऑप्शन, ये आप सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरफ से कहीं से भी सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना है, हम जाएंगे सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम, इसके अंदर जाना है सिस्टम वाले ऑप्शन पे, सबसे नीचे से 1-2-2 वाला ऑप्शन, ठीक है। सबसे नीचे से 1-2 वाला ऑप्शन आपको इसमें आना है, फिर उसके बाद आपको 1-2-3-3 पे जो ऑप्शन आएगा आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका फर्स्ट पे ऑप्शन शो हो रहा है आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है। फिर अगर सेकंड लैंग्वेज में आ रही है, अगर जैसे ये सेकंड लैंग्वेज आ रही है आपकी, तो आपको इसको प्रेस करके ऊपर ले जाना और ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप इसको ऊपर लेके जाएंगे फिर ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। 3 डॉट पे जाना, रिमूव का ऑप्शन होगा, सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर देना और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।